प्रक्रिया में खामियों के चलते देश के मेडिकल कॉलेजों में योग्यता के मुताबिक दाखिला देने और एडमिशन में एक रूपता बनाए रखने के लिए आयोजित नीट अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया। ऑल इंडिया कोटे की 1538 सीटों पर राज्य को सरेंडर करना पड़ा, सरेंडर कर दिया गया राज्य को। इसके बाद सेकंड राउंड की ऑल इंडिया काउंसिलिंग नहीं हुई और सीटें खाली भी रह गई। इस काउंसिलिंग में 14,000 स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए, जिसके बाद अब रिजेक्ट बच्चों के कारण राज्य में एडमिशन का समीकरण भी बिगड़ेगा। दरअसल ऑल इंडिया कोटे में कुल 3,084 सीटें हैं। इसके लिए केवल 2 राउंड की काउंसिलिंग हुई, इनमें भी 5,800 रैंक तक के स्टूडेंट्स को ही सीटें आवंटित कर दी गई। इनमें से अधिकतर बच्चों ने एम्स या राज्य के कोटे में पसंदीदा सीटें नहीं मिलने के कारण एडमिशन नहीं लिया। इसके बावजूद ऑल इंडिया कोटे की खाली सीटों के लिए काउंसिलिंग का तीसरा राउंड नहीं हुआ। इससे ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए क्वालिफाई 14,000 छात्रों को नुकसान हो गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट काउंसिलिंग के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से रिजेक्ट छात्रों की रैंक स्टेट में ऊपर होगी। वहीं नीट काउंसिलिंग में खामियों का नतीजा यह हुआ है कि 14,000 से ज्यादा छात्रों को एडमिशन नहीं मिला है और ऑल इंडिया कोटे की 1538 सीटों को सरेंडर करना पड़ा है। नीट की काउंसलिंग में खामियों का नतीजा है कि प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित रह गए। इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटे की 1538 सीटों को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर मतलब ये वो सीटें हैं जो किसी के काम नहीं आई, जिन पर कोई एडमिशन नहीं हो सकता। ये हाल तब है जब केवल 2 राउंड की काउंसलिंग हुई। नीट और AIPMT का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि न सिर्फ पारदर्शिता रहे, बल्कि देर 2 कोटाज होते हैं। एक होता है 15% ऑल इंडिया कोटा और एक होता है 85% स्टेट कोटा। तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, जिसके लिए पूरे भारत के बच्चे तैयारी करते हैं और वो कैटेगरी वाइज मेरिट ऑल इंडिया से बनती है, उसके लिए करीब 3,084 सीटें इस बार थी। ऑल इंडिया कोटे की 3,084 सीटें भरने के लिए 19,228 बच्चों को काउंसलिंग के लिए पात्र माना गया। इसके लिए केवल 2 राउंड काउंसलिंग हुई। इसमें भी 5,800 रैंक तक के स्टूडेंट्स को ही सीटें आवंटित कर दी गई। इनमें से अधिकतर बच्चों ने एम्स या राज्य के कोटे में पसंदीदा सीटें न मिलने के कारण एडमिशन नहीं लिया। फिर भी काउंसलिंग का तीसरा राउंड नहीं हुआ, जिससे 14,000 से ज्यादा छात्रों का नुकसान हो गया। अब होगा ये कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से रिजेक्ट छात्रों की रैंक स्टेट में ऊपर होगी। पिछले साल ऑल इंडिया कोटे के लिए 3 राउंड काउंसलिंग हुई थी, हालांकि तब भी 858 सीटें सरेंडर करनी पड़ी थी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।